जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर वासा और LWMC के खिलाफ भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऐसी एक कंप्लेंट हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? आबद हुसैन मेरा नाम है जी, मैं इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी शाहदरा टाउन का सदर हूँ। और मेरा मसला ये है कि हमारे इलाके में ना बड़ी देर हो गई, वहाँ पर सेवराज का मसला है। अच्छा। पानी गलियों में जो है दो दो फुट। अच्छा, वासा के आला ओहदेदार हैं, वो तो खुद कचहरी लगाते रहे हैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए, उस कचहरी में नहीं गया? गए, बिल्कुल गए जी। उन्होंने आपका कोई सुनवाई नहीं हुई, आपका कोई केस प्रोसीड नहीं किया? आप कभी उधर चक्कर लगाएं तो देखेंगे हम कैसे जिंदगी गुजारे हैं। ये जो शाहदरा का इलाका है, शाहदरा टाउन प्राचा कॉलोनी, आप उन कचहरियों में जा चुके हैं और अब इस कचहरी का रुख किया है? इधर सर जो इनके है ना अपना जो दफ्तरों के ऊपर बैठे हैं एक्सीएन वगैरह SDO वगैरह, उनको भी बहुत मरतबा हम दरखास्तें दे चुके हैं। अपने MPA MNA साहब हैं जो यहाँ पर तीन मरतबा, वहाँ पर MNA मलिक रियाज साहब, तीन नून लीग के, अच्छा बिल्कुल ठीक है। ये वो इलाका है जिसकी हमें बहुत सारी फुटेज मौसूल होती है, मेरे खुद के पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और ना जाने कहाँ से नंबर्स लेते हैं और वीडियोस बना के भेजते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे हम गए थे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए और हमने देखा था कि वहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ाने के लिए सड़कें तो दूर की बात है, वहाँ पर पैदल चलने के लिए भी गलियाँ नहीं है। हमारा जो जलारान से पराचा कॉलोनी है तो थोड़ा सा वो है, उसमें 5-6 जो है ना वो है अपना मस्जिद है और काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, उनका बिल्कुल चल भी नहीं सकते, वो स्कूल नहीं पहुंच सकते हमसे। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वासा खुद इंडिपेंडेंटली अपनी खुली कचहरी लगाता रहा है, अगर तो वासा ये दावा करता रहा है कि हम खुली कचहरी खुद लगाते हैं और लोगों की हम बात सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके MD साहब भी मौजूद थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो तैनात हुए और खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया, अगर तो वो खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया था तो अब यहाँ पर ये लोग आए हैं और ये इलाके के एक नहीं बल्कि मुतादिद लोगों से मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट किया है और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की है, तो वहाँ के प्रॉब्लम्स अभी तक मसाइल सॉल्व क्यों नहीं हो सके? सर ये नाहली है लोगों की। लाहौर के बाहर का इलाका है सर, अब देखे लाहौर का इलाका है, वोट भी लेते हैं और हम उनको बड़ी इज्जत से वोट देते हैं, हम उनको बिठाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, जब ये वोट ले जाते हैं तो दोबारा कोई, हालांकि हमारे जो मलिक रियाज साहब है ये शाहदरा के ही रहती है, तो उन्होंने कभी वोट लेने के लिए आते हैं और जनाब वोट लेके चले गए, जब उनके घर जाते हैं अव्वल तो वो मिलते नहीं, अगर वो मिल जाते हैं तो उनको पता नहीं वो कुछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन सा था आपको मालूम? ये मलिक आसिफ जो था जी वो अपना था MPA का और वाजिद जिया साहब थे तहरीक इंसाफ और जीते मलिक रियाज साहब थे। जीते मलिक रियाज साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस डेस्क के बारे में हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर फोटोकॉपी मशीन भी है, स्कैनर भी है, प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर भी यहाँ पर रखा है और इसके अलावा लैपटॉप भी है, यहाँ पर बहुत सारी स्टैम्प्स भी हैं, तो यहाँ पर स्टैम्प लगाई जा रही है डिप्टी जो खुली कचहरी है उसकी, वो मैं आपको दिखा दूँ कि जितनी दरखास्तें यहाँ पर लाई जाएंगी उनके ऊपर स्टैम्प लगा दी जाएगी। सर एक मैं यहाँ से पेपर लेकर अपने नाज़रीन को दिखाना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर ये रेड कलर की स्टैम्प है आपकी इजाज़त से। ठीक है, ठीक है, ये देखे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर खुली कचहरी के नाम से, अगर कैमरामैन आपको जूम इन करके दिखा सके तो कंप्लेंट नंबर 56 है और आज की यहाँ पे डेट दर्ज है और इसके अलावा हाथ से लिखी गई ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं और ये एप्लीकेशन मुतलिका इदारे को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ऐसे ही होगा कि ये मुतलिका इदारे को फॉरवर्ड कर दी जाएगी एप्लीकेशन। ये किसके किस इदारे से मुतालिक है? ये ADCR के मुतालिक है। ADCR, ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी दरखास्तें हैं, टोटल दरखास्तें कितनी हैं यहाँ पर? ये टोटल ये देखिए ना, अच्छा 57 हो चुकी हैं। 20 साल हो गए कब्जा ग्रुप ने खाली नहीं किया, ये 20 साल पुराना केस है, आज उन्होंने मार्क किया ये सारा, ये मार्क कर लिया गया है। इसके ऊपर भी आप लाल रंग की स्टैंप देख सकते हैं, ये स्टैंप है और इनके अलावा हम आपको ये भी दिखा दें। सर ये आपकी दरखास्त ले लीजिए, ये जो है इसके अलावा जो दरखास्त गुजार है उसको ये देंगे आप? जी एप्लीकेशन जो है वो हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, जो आगे कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसको फॉरवर्ड होगी, उसको ये जो नंबर डायरी नंबर लग रहा है आपके सामने ये नंबर उसे दिया जाएगा, वो 2 या 3 दिन बाद उस पर एक्शन हो के वो मुतलका डिपार्टमेंट से वो राबता कर खास गुजार ही अपने पास सेफ रखेगा, ये डायरी नंबर 33 है जैसे जी। चलिए नाज़रीन, ये तमाम जो प्रोसीजर है हमने आपको दिखाया है, दरख्वास्त गुजार जो है यहाँ पर अपनी जो दरख्वास्तें हैं उनको दायर करने के बाद डायरी नंबर ले जाएंगे और उनका जो प्रोसीजर है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे
ڈی سی لاہور سے اور ایس ایس پی سے ہم بات کریں گے اور وہ کیا کہتے ہیں آج کی کھلی کچہری کے حوالے سے، یہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.